नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज राफेल को लेकर आ रही है बहुत बड़ी खबर, और किस प्रकार से 42 और राफेल फाइटर जेट की डील हुई है कंफर्म, जिससे चीन को चारों तरफ से घेरना हो गया है आसान, और इससे भारत को मिलेगा बहुत ही बड़ा एडवांटेज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पूरी खबर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही भारत और फ्रांस के बीच में 36 राफेल फाइटर जेट को लेकर बड़ी डील कन्फर्म हुई, तब से ही फ्रांस का राफेल फाइटर जेट हथियार मार्केट में तहलका मचाए हुए है और इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों, स्पेशली तौर पर जो देश चीन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर किसी भी देश को किसी बड़े हमले का थ्रेट है, वो स्पेशली तौर पर राफेल फाइटर जेट को काफी ज्यादा पसंद कर रहा है। और भारत भी चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए राफेल फाइटर जेट की बड़ी खरीदी पर विचार कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में 36 राफेल फाइटर जेट भारत के पास पूरे होने वाले हैं, और इसके अलावा भारत राफेल के मरीन वेरिएंट को लेकर फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, और जल्द ही दोनों देश के बीच में राफेल एम को लेकर बड़ी डील हो सकती है। परंतु दोस्तों, यहां पर भारत केवल वार्ता ही करता रह गया और किसी अन्य देश ने राफेल के एक बड़े सौदे को कंप्लीट कर लिया है, परंतु इससे भारत को भी एडवांटेज है। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया ने फ्रांस के साथ 42 और राफेल फाइटर जेटों को लेकर बड़ी डील कंफर्म कर दी है, और इससे भारत को बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी कहेंगे कि इंडोनेशिया के साथ ही डील कंफर्म हुई है तो भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा। तो आप सभी यह जानते होंगे कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, और ऐसा ही सेम टू सेम सिचुएशन है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया का दक्षिण चीन सागर में कई सारे द्वीपों को लेकर चीन के साथ बहुत बड़ा विवाद है, और इंडोनेशिया और चीन में कहासुनी भी होती रहती है। और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडोनेशिया भारत का काफी अच्छा सहायक मित्र देश भी, और ऐसे में भारत के मित्र के पास राफेल जैसा घातक फाइटर जेट आ जाना चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए भारत का काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। भले ही इंडोनेशिया अपने फाइटर जेटों को भारत की मदद करने के लिए ना भेजे, परंतु इससे चीन की जो ताकत है वो दो मोर्चों पर बढ़ जाएगी। खैर दोस्तों, आप सभी किस टॉपिक पर क्या राय है, और क्या भारत को फ्रांस के साथ और अधिक राफेल फाइटर जेटों को लेकर कोई बड़ी डील करनी चाहिए या नहीं, या फिर भारत को अपने स्वदेशी फाइटर जेट ही बनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।